स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एंग्री पाकिस्तानी फैंस, बाबर की कप्तानी डिफेंसिव है, फैंस रिएक्शन आफ्टर पाकिस्तान लॉस्ट 4 T20 वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये देखना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान सीरीज हार चुका है न्यूजीलैंड जेड टीम के साथ, और उसके बाद जब फैंस ने गालियां दी है, हालांकि ये वीडियो में ना हो तो अच्छा है, ये भर भर के दी है और स्टेडियम में लोग रो रहे थे। यही पाकिस्तानी थे जो बोल रहे थे कि भाई वहां पे हमारे टीम को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है वर्ल्ड कप में। अब तो पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, कहां गया जज्बा। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ शहीन को नहीं बिठाना चाहिए वहाँ शहीन को बिठा देते हैं, जहाँ अमीर को नहीं बिठाना चाहिए वहाँ अमीर को बिठा देते हैं। इस टीम में जो आज मायूस किया वो चाचा ने मायूस किया, चाचा ने मायूस ने बहुत मेरा वो आउट हो चला गया। कप्तानी के बारे में क्या ख्याल है, शहीन को हटाया था बाबर को बनाया था? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बाबर जबरदस्त है, बेस्ट है, वो बेस्ट कप्तान है, जबरदस्त कप्तान है। बिल्कुल नहीं, बाबर कैप्टन अच्छा है, बाबर को टाइम देना चाहिए, बिल्कुल अच्छा लेके गया। वर्ल्ड कप का फाइनल किसने खिलाया आपको, उससे पहले किसने खिलाया? ये अब क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है, आप क्या पूरी टीम ने लेके चले? नहीं पूरी टीम लेके चले ना, दो मेन बॉलर वो खिलाता नहीं है, अपने यारों को खिलाता है शदाब को भाई, लेकिन चले बाहर कर रहे हैं। लेकिन बाबर जब आउट हो जाता है, अगर जब बाबर आउट हो जाता है तो टीम नहीं पीछे से कुछ कर सकती। अरे यार पता नहीं क्यों आ रहा है, बाबर साहब जोन से हैं, ओपनिंग की जगह छोड़ ही नहीं रहे, और उसके अलावा इनके पास अप्रोच ही नहीं, अग्रेसिव अप्रोच, फजूल प्लेयर आए हुए हैं, उनको मारो यार तुम कमर से। उनके तो थर्ड टीम आई हुई ना, सी क्लास टीम आई हुई, उनके पास टीम सऊदी है ना, ट्रेंट बोल्ट है उनके पास, अभी तो उनके सी बॉलर खेल रहे हैं, उनको नहीं आप अग्रेसिव अप्रोच से खेलोगे तो किसको खेलोगे आप? कहने का मतलब ये है कि अप्रोच अग्रेसिव नहीं, बिल्कुल नहीं अग्रेसिव, बिल्कुल यहाँ पे भी डिफेंसिव है। जो प्लेइंग 11 खिलाई है वो ठीक खिलाई है? बिल्कुल नहीं ठीक खिलाई, बिल्कुल नहीं ठीक खिलाई, प्लेइंग 11 कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकती थी, वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन अप्रोच अगर आप प्लेइंग इसी अप्रोच से प्लेइंग 11 आप 100% ठीक खिला लोगे तब भी ये आपको फर्स्ट रिजल्ट देंगे। सपोर्ट अगर हार जाए तो फॉरन स्टेडियम हार छोड़ देते हैं, जीतते हैं तो बैठते क्यों हैं, और अगर हारते हैं तो उनको सपोर्ट करें कि नेक्स्ट टीम में वो अच्छा खेलें, तो इंशाल्लाह आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। ध्यान दिया आप बताओ हारे क्यों हैं? हारे बाबर की गलती की वजह से आ रहे हैं। कौन सी गलती है उसकी? जो कैच दे दिया दस्ती आउट हो गया जल्दी जल्दी। तो 11 प्लेयर खेल रहे होते ना, तो बाकियों को तो हर मैच में तो हर एक प्लेयर नहीं करता, कुछ प्लानिंग नहीं थी इनकी कोई मैच की, कोई जिस तरह प्लानिंग बंदा मैच लेके चलता है, उनकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी, कोई दिख नहीं रही थी कि जैसे वो मैच को फिनिश करें या किस तरह मिडिल का खेलना है, ओपनिंग कैसे करनी है, फाइनल तक कैसे एंड तक कैसे फिनिश कैसे करना है, उनकी कोई इस तरह की प्लानिंग वगैरह बिल्कुल नहीं नजर आई। 1.5 महीने बाद वर्ल्ड कप है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं है हमें। ये अप्रोच की वजह से, जो बाबर की अप्रोच है ना वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। अब आप बैटिंग में देखें चाहे बॉलिंग में देखें, बैटिंग में भी देखें, उसने उसामा मीर से ओवर करवाने हैं, उसे छक्के पड़ने हैं, उसने फिर भी ओवर कराने हैं, ठीक है। उसने बैटिंग में पता है कि उनकी अप्रोच जो है ना डीप लेके जाना मैच, ये है ही बहुत गलत। जब फखर खड़ा था, जब सारी टीम मतलब अच्छी पोजीशन में थी, तब इन्हें गो फॉर द किल जाना चाहिए था, लेकिन ये मैच डीप लेके गए तब ये हो जाता है, एंड पे तो आउट होता ही है ना। तो अगर ये शुरू में किल के लिए जाते हैं या थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच होती, शुरू से ही आके थोड़ा सा अच्छा खेलते, पावर प्ले में बेचारा साइम अयूब छोटा सा लड़का है, नया आया, उसके ऊपर सारा प्रेशर है मारने का, बाबर को टुक टुक करता है, या तो बाबर जल्दी आउट हो गया था, बाबर तो जल्दी आउट हो गया था, लेकिन एक जो मेंटली प्रेशर होता है ना, कप्तान का अप्रोच होती है वो पूरी टीम पर रिफ्लेक्ट होती है। बाबर के आउट होने से भी हम मैच आ रहे हैं, ठीक है, उसने पूरी सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, ठीक है, वो सारा बजट अपना साइम अयूब के ऊपर डाल देता है कि चले वो आया वो ही छिक्के मारे। सारे प्लेयर घर से खेलने आते हैं, सबको मौका मिलता है, जहाँ शहीन को नहीं बिठाना चाहिए वहाँ शहीन को बिठा देते हैं, जहाँ अमीर को नहीं बिठाना चाहिए वहाँ अमीर को बिठा देते हैं, ठीक है। दो मेन बॉलर हैं, हम न्यूजीलैंड से हार के आए हैं, उधर हमारा काम है इधर उनको हरा के जाना, हरा के वापस घर जाएं, ठीक है। जहाँ पे दोनों का मैच खेलना जरूरी है वहाँ पे एक को बिठा देता है, एक को खिला लेता है, अपनी दोस्ती यार ही देखता है, ठीक है। फखर वन डाउन प्लेयर आने वाला है, अगर वो शुरू से ही चल जाता तो हम आज मैच जीत जाते। उस्मान खान भी तो है ना, उस्मान खान PSL में अच्छा परफॉर्म करता रहा, जब टीम में आया उस पर प्रेशर आया, ठीक है, वो वन डाउन खेलने वाला लड़का उसे आज वन डाउन खिला रहा है, थ्री डाउन फोर डाउन उसका नंबर नहीं बनता, वो जो उसका नंबर बने उसी नंबर पे उसे भेजना चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील हो के अपना मैच आगे तक लेके जाए। बड़ा मायूस है ये लड़का, आपको आप भी मायूस हो टीम की परफॉर्मेंस? जी जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हारा तो मायूस तो सब भी होंगे,
लेकिन ये है कि मैच का मजा आया, आखिरी बॉल तक गया मैच। कहाँ मजा आया, हमें तो नहीं आया। आपको, आप कहाँ देख रहे थे? कदाफी में थे? कदाफी में ही थे। आखिरी बॉल में छह चाहिए था, नहीं लगा। ये क्रिकेट है, ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छी अच्छा खेले। क्या हुआ है ये कि हम मायूस हो गए। हम स्पेशली क्वेटा से इधर ही आया इस मैच के लिए। हम बहुत मायूस हो गए। हम किस किस की वजह से, पूरा पूरी बात बताओ, कौन कौन आपको मायूस करता है इस टीम में? इस टीम में जो आज मायूस किया वो चाचा ने मायूस किया। चाचा ने मायूस ने बहुत मेरा वो आउट हो गया। कप्तानी के बारे में क्या ख्याल है? शाहीन को हटाया था, बाबर को बनाया था? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बाबर जबरदस्त है, बेस्ट है, वो बेस्ट कप्तान है, जबरदस्त कप्तान है। लेकिन बाबर के हक में बयान थे, बाबर नहीं कप्तान सही। इस दफा रिजवान को चांस देना चाहिए था, ठीक है। शाहीन ने एक सीरीज में अगर किसी को कप्तानी देना, उसे आगे देखना भी चाहिए, ठीक है। वो एक सीरीज का उसे कप्तान बना के उसे वापस ले लेंगे तो वो ऐसे कप्तानी थोड़ी होती है। उसने खुद कहा कि इस दफा रिजवान को चांस देना चाहिए, और वो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान का भी सबसे अच्छा कैप्टन रहा। एग्री करते हो इसे? बाबर बिल्कुल नहीं, बाबर कैप्टन अच्छा है, बाबर को टाइम देना चाहिए, बिल्कुल अच्छा लेके गया। वर्ल्ड कप का फाइनल किसने खिलाया आपको? उससे पहले किसने खिलाया? ये अब क्या कर रहा है? आप क्या कर रहा है? अब क्या पूरी टीम ने लेके चले? नहीं, पूरी टीम लेके चले ना, दो मेन बॉलर वो खिलाता नहीं है, अपने यारों को खिलाता है। शुदास लेकिन बाबर जब आउट हो जाता है, अगर जब बाबर आउट हो जाता है तो टीम नहीं पीछे से कुछ कर सकती। जब बाबर आउट होता है, आप बॉलर की बात कर रहे हैं, अगर बाबर एंड तक खड़ा रहे तो टीम, आप बताओ क्यों हारे हैं? बाबर आजम नहीं अच्छा खेला। बाबर आजम की वजह से? जी, वैसे तो अच्छा खेल रहा, पर आज उसने अच्छी कुछ भी नहीं खेला। तो आपको लगता है ये टीम आगे वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, कुछ करेगी? इंशाल्लाह करेगी। यही प्लेयर होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं तो वैसे बाबर आजम की बड़ी बड़ी फैन हूँ। हाँ बताओ, क्या क्या वजह, क्यों हारे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं ये कह सकता, टीम बहुत अच्छी है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, आज शाहीन को रेस्ट कराई है, बात फरीदी को चेक कर रहे हैं, न्यू बॉलर है, और इसलिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे हो रहा है। मैं नहीं समझता ये टीम अच्छी नहीं है। आमिर और इमाद का आना कुछ फायदा दे रहा है पाकिस्तान टीम को? जी जी, वो तो बहुत बेस्ट किया है इन्होंने। इमाद बेस्ट वर्ल्ड ऑलराउंडर है, आमिर भी हमारे अब टीम में आया बॉलर, हमारा बॉलिंग स्क्वाड बहुत अच्छा हो गया, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में बहुत बेहतर होगा। आप बताओ, ये वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहे हैं हमारे लड़के? जी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ऐसे ही आना चाहिए। मैं इसके साथ ही हूं। मैंने वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ट्राई करना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस बाबर इज बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। क्या वजह है सर? वजह है, जब तक पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे कभी नहीं जीत सकते। अब वो उस्मान खान ने अपना कैरियर तबाह किया है इस पाकिस्तान के लिए। चार मैच हो गए आपके सामने, जीरो है, तो ये चार पांच मैच और नहीं खेलेगा, इसे बाहर बिठा देंगे, सारे लोग रोला डालेंगे जी इसके साथ ज्यादती हुई है। जब आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो आपको बाहर ही बिठाना है भाई मेरे। जब आपने परफॉर्मेंस नहीं करनी, ये जो आज हालात हैं, फखर के अलावा सारी टीम आज लूज रही है। आमिर और इमाद की वापसी कुछ फायदा दे रही है पाकिस्तान को? मोहम्मद आमिर की वापसी का फायदा तो है, जाहिर है, लेकिन ये इमाद वसीम को चाहिए कि अच्छी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। आप क्या लगता है क्यों हारे हैं? आई थिंक पहली तो बात यह है कि हमें हारना ही नहीं चाहिए था। जो कीवीज की थी वो सी टीम थी, और दूसरा बात जो आपने की है कि इमाद वसीम एक अच्छे ऑलराउंडर है, बट उनको इंटरनेशनली अभी इंक्लूड किया गया, तो उनको परफॉर्म करके दिखाना होगा जैसे उन्होंने पीएसएल में किया था। कप्तान की कप्तानी कैसी जा रही है? कप्तान भी अपने हद तक कुछ कर सकता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ओवरऑल जो है इनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है शिकस्त की वजह? टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया मेनली। आप ये देखेंगे कि बाबर जिस तरह आउट हुए हैं, और उसके बाद साहिम अयूब ने भी कंटिन्यू नहीं रखी इनिंग को, तो टॉप ऑर्डर मेन वजह है हमारी बैटिंग का। तो टॉप ऑर्डर ने जब जब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया तो पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं। ये अर्लियर अगर आप देख लें, मोहम्मद रिजवान और बाबर की बैटिंग को अगर आप देखें, तो पिछले कई इनिंग्स से वो जो ओपनिंग कर रहे थे और पाकिस्तान की जो विनिंग स्टेट थी वो बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हुआ उसकी वजह से आपके साथ नो डाउट के साहिम अयूब अच्छे खिला रही हैं, लेकिन जब तक के टॉप ऑर्डर रन नहीं करेगा, आप देख लें कि छः ओवरों में हमारा 50 भी नहीं था। तो मेन जो आपकी रीज़न है हारने की, चार रन से आप हारे हैं, अगर यही ऊपर आपको जो है रन मिले होते तो आपकी सिचुएशन है डिफरेंट होती। क्या वजह है पाकिस्तान के हारने की, आपको क्या लगता है? देखिए बेसिकली मैंने थोड़े लेट ज्वाइन किया, लेकिन आई थिंक कि टीम वर्क था और हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा खेले हैं? देखिए ऑडियंस में बैठ के डिसाइड करना और ग्राउंड में अंडर प्रेशर खेलने में काफ़ी डिफरेंस है। आपको पता है उनकी सी टीम आई हुई है,
इस बारे में देखें हम कुछ नहीं कह सकते, हमें सिर्फ पेट्रियोटिज्म दिखाना चाहिए। जीते हमें तुमसे प्यार है, बस यही कहना है, हम सारी जिंदगी देखें पाकिस्तानी फैंस यही कहते रहे। देखें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम में फैंस तो बातें करते हैं ना, सपोर्ट, अगर हार जाएं तो फौरन स्टेडियम हार छोड़ देते हैं, जीतते हैं तो बैठते क्यों हैं, और अगर हारते हैं तो उनको सपोर्ट करें कि नेक्स्ट टीम में वो अच्छा खेलें, तो इंशाल्लाह आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। इट्स ऑल अबाउट द टीम, जीत पाएगी जी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। अगर आप अपनी टीम को इस तरह मायूस करते हैं अगर जीत जाए हार जाए तो, इस तरह तो नहीं होता। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो रीजन फैंस के अलग अलग थे, कहीं ने कहा बाबर अच्छे कप्तानी है, कहीं बोल रहे ठीक नहीं है। मेरे को जो दिख रहा है ना, मैं एक क्रिकेट के नजरिए से बताऊं तो, खेल के नजरिए से तो यही है कि पाकिस्तान टीम में खेल दिली जो वो बोलते हैं ना वो नहीं है। ये लोग यार है मेरा, ये मेरा मामा का साचा का लड़का है तो मैं खिलाऊं, वो वाला सीन, फेवरिज्म वाला सीन जो है वो मेरे को दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग इस बार T20 में दिखा कि सेंजिस इन लोगों ने किया, लेकिन जो सेंजिस किया मेरे को अच्छा भी लगा, एक मैच जीते भी थे उस सेंजिस की वजह से। ये करना चाहिए, सेंजिस आना चाहिए हर बार। यही एक बूढ़े अंकल है इफ्तिकार साचा, उसको भाई ओपनिंग में खिलाओ, एक बार ट्राई तो कर लो, ओपनिंग करने के लिए भेजो एक बार, क्या कर सकता है, अच्छा बंदा है, ऐसा नहीं है खिलाड़ी अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उससे एक बार ओपनिंग करो, कुछ नयापन लाओ टीम में। एक की एक चीज जो हम खाने में भी डेली रोटी सब्जी खाते हैं तो एक दिन उसमें भी प्रॉब्लम आता है, यार सब कुछ अच्छा खाते हैं कुछ बाहर का खाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली अंदर से आता है, तो कुछ नयापन दिखाओ ना। एक की एक टीम, हर बार शाहीन या आफरीदी, ये इफ्तिकार, बाबर, रिजवान और कौन एक दो नाम और भी मैं भूल गया, ये मतलब यही होते हैं। अरे भाई टाइम के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है, नई टैलेंट लाओ, नए यंगस्टर को मौका तो दो। ये सीरीज आपको जीतना जरूरी होता है, तभी जीत सकते हो जब आप नए टैलेंट को कुछ मौका दो। नहीं आपको ही हीरो बनना है, बड़ी बड़ी फेंकनी है और आपका बस वर्ल्ड कप में आते हो तो बस नमाज हम पढ़ते वही दिखाना है, जज्बा है हमारे में वो दिखाना है, ये कुछ काम की चीजें नहीं है। और बहाने बनाने हैं, बहाने हैं कि भाई हमें हम ऑडियंस नहीं थी हमारे इसलिए हम हारे हैं। अब तो वहां पे भर भर के ऑडियंस थी, क्या हुआ। पाकिस्तानियों आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती है, उसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए जो है ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। एक बार टीम में कुछ चेंजेस ला के देखो, समझ में आ जाएगा। 110% हम बोलते हैं टीम पाकिस्तान की अच्छी बन सकती है, लेकिन वो तभी बनेगी जब कुछ चेंजेस होंगे। ये नहीं है कि ये बूढ़े हो गए तो चलो आर्मी में भेज दो और उसके पास ट्रेनिंग करवाओ। भेजा था ना आर्मी ट्रेनिंग के लिए, क्या हुआ थक गए, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, एक दिन आएगा कि आप एक दो मैच जीत जाओगे, पता नहीं वो कब आएगा। वीडियो समाप्त यहाँ पे करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।